हेलो फ्रेंड्स, दिस इज पवन चौधरी। वेलकम टू सारथी एजुकेशन। पिछले 2-3 दिनों से एक वायरस की बहुत ज्यादा चर्चा चल रही है, इट्स कॉल्ड द मंकी पॉक्स वायरस। तो इस लेक्चर के अंदर हम बात करेंगे क्या है ये मंकी पॉक्स वायरस, कैसे फैलता है, किस तरीके से ये स्मॉल पॉक्स जो है उसका कंपैरिजन उससे किया जा रहा है, और इसका इतिहास, इसका हिस्ट्री, इस वायरस का क्या है। तो मंकी पॉक्स अगर मैं वायरस की बात करूं तो अभी रिसेंटली सिंगापुर के अंदर जो है मंकी पॉक्स वायरस जो है उसके जो वायरस हैं उसके वायरस अभी देखने को मिले। एक व्यक्ति जो है उससे इन्फेक्टेड मिला और उसके बाद पूरे सिंगापुर के अंदर यहाँ पे हड़कंप मच गया है। ठीक है, तो ये जो वायरस है ये बेसिकली जो स्मॉल पॉक्स वायरस हुआ करता था, स्मॉल पॉक्स एक बीमारी हुआ करती थी जिसको हम हिंदी में बोलते हैं चेचक। तो चेचक जैसी चेचक की बीमारी हुआ करती, वैसे हम इसको पूरी तरीके से हमने इसको इरेडिकेट कर दिया है, इसको समाप्त कर दिया है, लेकिन अभी भी जो है अभी इसके कोई सिम्टम्स नहीं मिलते। लेकिन उसके जैसे सिमिलर सिम्टम्स वाला एक नया वायरस जो है मंकी पॉक्स वायरस कई जगह फैल रहा है अभी। इसकी अगर हम बात करें तो इसका जो नाम है मंकी पॉक्स, तो ये बेसिकली 1958 के अंदर जो लैबोरेटरी के अंदर जो मंकी पर रिसर्च किया जाता है, जो बंदरों के ऊपर रिसर्च किया जाता है, ऐसी एक लैबोरेटरी के अंदर जो है बंदर के अंदर ये वायरस जो है वो वायरस पाया गया था। और उसके बाद 1970 के अंदर जो है वो अफ्रीका वाला जो एरिया है वहां पर स्मॉल पॉक्स के सिम्टम्स वाला, मतलब चेचक के सिम्टम्स वाला अफ्रीका के कई सारे लोकेशंस पे ये जो वायरस है, इस वायरस की जानकारी हमको मिलती है कि इस तरह का वायरस जो है वो जगह जगह फैल रहा है। तो इस तरीके से मंकी पॉक्स जो है उसका नाम मंकी से वो आया है, इसलिए उसका नाम जो है मंकी पॉक्स दिया गया। क्या है ये वायरस? तो इट्स द MPPX बोल सकते हैं आप इसको। इट्स द ऑर्थोपॉक्सो वायरस, जो जीनस होते हैं, जीनस के अंदर ये जो वायरस है वो यहाँ पे पाया जाता है, और एक वायरल डिसीज की तरह यहाँ पर ह्यूमन के अंदर, उसके अलावा जो आपके एनिमल्स हैं एनिमल्स के अंदर भी यहाँ पर लगातार फैलता है। वैसे इसके जो सिम्टम्स है, इसके जो प्रभाव है, वो आपका जो स्मॉल पॉक्स था, स्मॉल पॉक्स से काफी कम इसके प्रभाव है, काफी माइल्डर है, लेकिन फिर भी जो है इसका जो इम्पैक्ट है वो काफी देखने को मिला है। ठीक है, तो स्मॉल पॉक्स वैसे 1980s के अंदर हम इसको पूरी तरीके से डिक्लेयर कर चुके थे कि पूरा वर्ल्ड जो है वो स्मॉल पॉक्स से यहाँ पे मुक्त हो गया है। लेकिन अभी ये जो है आपका जो मंकी पॉक्स वायरस नया आया है, ये सेंट्रल और वेस्ट अफ्रीका जो है, इसके कई सारे रीजंस में इसके काफी सारे केसेस हमको देखने को यहाँ पे कई गांवों के अंदर देखने को यहाँ पे मिले हैं। ठीक है, तो ये जो अफ्रीका का जो ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट वाला एरिया है, जो उसका जो वर्षा वन वाले एरिया है, ट्रॉपिकल एरियाज, उन एरियाज के अंदर आपको इसके काफी सारे इन्फेक्टेड एनिमल्स, काफी सारे इन्फेक्टेड जो ह्यूमंस हैं वो आपको यहाँ पे मिलेंगे। तो कौन कौन से एरिया में अफ्रीका में यहाँ पे फैला है, तो ये मैप के अंदर आप थोड़ा देखोगे यहाँ पे, तो ये कलर आपको यहाँ पे दिखा रहा है बेसिकली, जहाँ पे 200 से ज्यादा केसेस हैं, मतलब 200 से कम केसेस और उसके आसपास जो केसेस 200 से आसपास, तो वो यहाँ पे डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो इस एरिया के अंदर आप यहाँ पे देखोगे कि यहाँ पे बहुत सारे मैक्सिमम नंबर ऑफ केसेस दिखे हैं। उसके अलावा जो येलो एरिया है वहाँ पे 50 तक केसेस, कैमरून, सेंट्रल अफ्रीकन यूनियन, साउथ सूडान, गैबोन, इन सभी कंट्रीज के अंदर, सियेरा लियोन, लाइबेरिया, आइवरी कोस्ट, इन एरियाज के अंदर 50 और उससे कम जो है यहाँ पे केसेस के अंदर मिले हैं। तो डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो जो है उसके अंदर काफी बड़ी मात्रा में इसके केसेस देखने को मिले हैं, और अभी ये वायरस जो है पहुंच गया है सिंगापुर के अंदर। तो अभी बेसिकली इसका पर्सन टू पर्सन ट्रांसमिशन का कोई ऐसा एग्जांपल हमको नहीं मिला है कि इंसान से इंसान के अंदर फैलता है, लेकिन माना जाता है कि जो वायरस है ये इंसान से ह्यूमन से ह्यूमन जो है उसके अंदर यहाँ पे जाएगा, एंड इट अलोन कैन सस्टेन मंकी पॉक्स इन द ह्यूमन पॉपुलेशन के अंदर लगातार है। अभी ट्रांसमिशन जो है उसका कंफर्म नहीं है कि ह्यूमन से ह्यूमन ट्रांसमिशन जो है उसका यहाँ पर होता है या नहीं होता है, लेकिन वैज्ञानिकों का मानना है कि हाँ, ये ह्यूमन से ह्यूमन ट्रांसमिशन इसका पॉसिबल है। ठीक है, तो ये जो वायरस है बेसिकली इट्स कॉल्ड द जूनोसिस, जो वायरस का एक वायरल है, जूनोसिस वायरल इसको कहा जाता है। जूनोसिस वो वायरल होता है जो एनिमल से ह्यूमन से, जो जो जानवर है जानवर से ह्यूमन के अंदर आता है, इट्स कॉल्ड द जूनोसिस। तो ये तरीका जूनोसिस है जो एनिमल से ह्यूमन बींग के अंदर यहाँ पे ट्रांसफर हुआ है। अभी हम इसके इन्फेक्शन की बात करें तो अभी यहाँ पे अगर कोई एनिमल बाइट्स, कोई आपने वाले किसी एनिमल ने आपको काट लिया, या फिर कोई इन्फेक्टेड एनिमल का जो फ्लूइड है, या इसका मतलब खून है, या फिर उसका कोई बॉडी का, अगर मतलब जो लोग नॉनवेज खाते हैं, या फिर अफ्रीका के अंदर जनरली कच्चा मांस बहुत खाया जाता है, तो ऐसे किसी उसका कोई बॉडी का कोई फ्लूइड है उसके कॉन्टेक्ट में आप आ गए हो, तो उस तरीके से ये वायरस जो है एनिमल बाइट्स के द्वारा यहाँ पे फैल सकता है। ओके, उसके अलावा ह्यूमन इन्फेक्शन की अगर यहाँ पे बात करें तो जैसे जनरली जो जो गैम्बिया है, गैम्बिया के अंदर जो गैम्बियन जो जाइंट रैट्स होते हैं, स्क्विरल्स होती है, मतलब आपकी छिपकली जो
गिलहरियां होती है, वो ऐसे जो रोडेंट्स जो होते हैं, रोडेंट्स मतलब जो चूहे वगैरह जो है उस तरह से जो होते हैं, इनके द्वारा जो है वो वायरस जो है बहुत ज्यादा मात्रा में इनमें पाए जाते हैं, और इनके द्वारा ह्यूमन बींग के अंदर, मानव के अंदर ये यहाँ पे आते हैं। जैसे हम बात करें प्राइमरी होस्ट इसके जो है वो रोडेंट स्क्विरल रैट्स हैं, है ना, इसके शुरुआती या फिर सबसे शुरू में जो इसको होस्ट करते हैं, जो इस वायरस को लेके आते हैं। उसके बाद इसके इंसिडेंटल होस्ट से, मतलब कि कभी गलती से इसके अंदर यहाँ पे इनके अंदर हो जाता है, जैसे आपके मंकीज वगैरह हैं, तो मंकीज वगैरह के अंदर जो है वो नॉन ह्यूमन प्राइमेट्स हैं जो इसको लेके आते हैं। उसके बाद जो बुशमीट होता है, अभी यहाँ पे बुशमीट मतलब जो रोडेंट्स वगैरह की जो हंटिंग होती है, तो अभी कोई एनिमल है जब इनको खाएगा, रैट को या फिर इन मंकीज वगैरह को, तो इनको जब वो खाएगा उसके बाद उसका ट्रांसमिशन जो है वो उसके बाद जाके ह्यूमन बीइंग के अंदर, मानव के अंदर इसका ट्रांसमिशन होता है। अभी आप इस इमेज के अंदर देख रहे हैं कि इस बच्चे को जो है वो इस तरीके से जो डॉट डॉट्स हैं इसके द्वारा यहाँ पे दिख रहा है कि इस तरह का इन्फेक्शन उसको हुआ है, और उसके बाद ह्यूमन से फिर दूसरे ह्यूमन में एक एक करके यहाँ पे होता है। अभी ट्रांसमिशन कैसे हो रहा है वो अभी यहाँ पर इसके ऊपर रिसर्च यहाँ पे चल रहा है। ह्यूमन के अंदर इसके अगर सिम्टम्स की बात करें तो यहाँ पे लाइजियन मतलब एकदम बेचैनी होना, या फिर एकदम शरीर को लुस्त हो जाना, फीवर, मसल एक मतलब मसल पेन, मसल के अंदर काफी दर्द या जलन, ये सब चीजें जो है इसके सिम्टम्स के अंदर यहाँ पे देखी जाती है। ओके, उसके अलावा अफ्रीका के बाहर आप देखोगे तो 2003 के अंदर यूनाइटेड स्टेट के अंदर इसको रिपोर्ट किया गया था, ब्रिटेन, इजराइल, अभी इन सभी जगहों पे यहाँ पे इसके कभी ना कभी इन्फेक्शन जो है वहां पे फैले हैं। ये यूएस सेंटर फॉर डिजीज कंट्रोल एंड प्रिवेंशन है, उसने एक रिपोर्ट के अंदर यहाँ पे कहा है 2003 के अंदर यूएस के अंदर फैला था, और उसके बाद काफी ज्यादा वहां पर प्रॉब्लम हुआ था, लेकिन बाद में उसको अल्टीमेटली कंट्रोल कर लिया। देखो स्मॉल पॉक्स से अगर हम इसको थोड़ा सा कंपेयर करें तो स्मॉल पॉक्स के अंदर क्या आता है कि स्मॉल पॉक्स इज जनरली अ ह्यूमन टू ह्यूमन ट्रांसमिशन, कि मानव से जो मानव है उसके अंदर इसका ट्रांसमिशन होता था, तो उसका जो चेन होता था अभी आप उसको तोड़ सकते थे कि ह्यूमन ह्यूमन ट्रांसमिशन हो रहा है, तो जो जिस व्यक्ति को हुआ है उसको आप आइसोलेट कर दो, उसको अलग कर दो, और उसके बाद जो है उसका ट्रीटमेंट कर दो तो ठीक हो जाता था। तो वो स्मॉल पॉक्स जो है वो ह्यूमन ह्यूमन ट्रांसमिशन होता था, इजिली यू कैन इराडिकेट, उसको आराम से उन्होंने खत्म कर लिया। लेकिन ये मंकी पॉक्स जो है वो भी क्या होता है कि ह्यूमन से जो है वो अभी आपके जो एनिमल्स हैं वो जो रोडेंट्स होते हैं उनसे आपके दूसरे रोडेंट्स के अंदर, फिर वहां से जो है नॉन ह्यूमन प्राइमेट्स जो होते हैं आपके बंदर वगैरह उसके अंदर, फिर वहां से ह्यूमन के अंदर, या फिर डायरेक्ट रोडेंट्स ह्यूमन के अंदर, अर्बोरियल रोडेंट्स डायरेक्ट ह्यूमन के अंदर, तो मानव के अंदर आने के बहुत सारे तरीके हैं जिसके अंदर मानव के अंदर अलग अलग तरीके से आ सकता है। अभी आप इस चेन को तोड़ नहीं सकते क्योंकि यहाँ पे अगर आप कब तक इनको चूहों को पकड़ के मारते रहोगे या आपके बंदरों को पकड़ के मारते रहोगे, कोई अल्टीमेट सॉल्यूशन इसको नहीं है, क्योंकि किसी भी तरीके से इसका जो चेन है वो ब्रेक करना यहाँ पे थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा, थोड़ा सा प्रॉब्लमेटिक यहाँ पे हो जाएगा। तो देखते हैं फ्यूचर के अंदर इसका कोई वैक्सीन आता है या किस तरीके से इसको इरेडिकेट किया जा सकता है, क्योंकि WHO जो है वो इसके ऊपर काफी रिसर्च उन्होंने किया है, और हो सकता है कि फ्यूचर के अंदर WHO जो है इसको लेके कुछ वैक्सीन्स वगैरह या फिर कुछ डेवलपमेंट इसके अंदर कर सके। तो जो भी अपडेट होगा मैं आपको टाइम टू टाइम इसके बारे में देता रहूंगा। थैंक यू।